नमस्कार आदाब, मैं हूं आपके साथ महक और आप देख रहे हैं जेड टीवी न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं दिन भर की छोटी बड़ी खबरों पर। संभल लोकसभा क्षेत्र के नगर पंचायत नरोली पहुंचे सपा प्रत्याशी जियाउर रहमान बर्क ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। संभल सपा प्रत्याशी जियाउर रहमान बर्क ने विधानसभा चंदोसी क्षेत्र के नगर पंचायत नरोली में पहुंचकर पुलिस प्रशासन पर बीजेपी के इशारे पर वोटरों को धमकाकर पोलिंग बूथ से भागने का लगाया आरोप। साथ ही सपा नेता फिरोज खान और सपा प्रत्याशी जियाउर रहमान बर्क के पिता के साथ पुलिस ने की धक्का मुक्की और अनावश्यक परेशान करने का लगाया आरोप। क्या हुआ? हेलो भाई, मतदान केंद्र में इस टाइम चंदोसी विधानसभा के नगर पंचायत नरोली में आए हैं। 2 घंटे से शिकायतें मुझे मिलने की लगातार, इस वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ और मैं दूर था जिस वजह से पहुँचने में मुझे देर हो गई। यहाँ पर पुलिस प्रशासन मुझे ताजुब है, मेरी ऑब्जर्वर साहब से परसों सारे विधायक गांव के साथ में मुलाकात हुई थी। उन्होंने खुद कहा था कि बाहर पुलिस के किसी आदमी को चुनाव की तरफ से कोई अधिकार नहीं है आईडी चेक करने का। आईडी चेक जो करेगा पीटीसी अधिकारी चेक करेंगे और उस आईडी के आधार पे वोट पड़ेगा। जो सबसे बड़ी यहाँ पे जो कमियाँ 2-3 है सामने, एक तो पुलिस वाले यहाँ पे आईडी चेक कर रहे हैं जो उनको कोई अधिकार नहीं है आईडी चेक करने का बाहर, ये गलत है, इसकी शिकायत मैंने दर्ज कराई है। दूसरी चीज़, अंदर पीटर सिंह ने दिखा दिए और जो पुलिस वाले दबाव बना रहे हैं, एक आईडी नहीं 3 आईडी लेके आओ। 3 आईडी क्यों लाएंगे भाई? चुनाव आयोग का आदेश है 1 आईडी से 12 में से जो उन्होंने वैलिड करी है, 1 आईडी होगा तो वोट पड़ेगा। 3 आईडी डाल करके चुनाव आयोग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। चुनाव आयोग चाहता है कि मतदान ज्यादा हो, ये लोग चाहते हैं कि मतदान कम हो, जो समाजवादी कम हो। हमारे लोगों को अनावश्यक रूप से 7-8 लोगों को उठा करके कैद कर रखा है जबरदस्ती। क्या प्रशासन ने लाठीचार्ज किया गया? ये सूचना आपको कब मिली थी? बात बोली कही जाएगी जो सच होगी, लेकिन दबाव बना रहे हैं जिससे कि मतदान कम हो। हम इसकी मुखालफत करते हैं। चुनाव आयोग की और संविधान की धज्जियां उड़ाने का जो काम हो रहा है, मेरी चुनाव आयोग से मैंने लखनऊ में भी कंप्लेंट दर्ज करा दी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के द्वारा वहाँ पर कंप्लेंट डेलीगेशन भेज करके दर्ज कराई है मैंने चुनाव आयोग में। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहता हूँ, इसके अंदर तुरंत एक्शन होना चाहिए। जो अधिकारी अगर निष्पक्ष रूप से चुनाव नहीं करा रहा या मतदान को कम कराना चाहता है तो चुनाव आयोग इसमें तुरंत कार्रवाई करे जिससे कि हमारा निष्पक्ष चुनाव हो सके। ऐसे ही ताज़ातरीन खबरों के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और देखते रहिए जेड टीवी न्यूज 24। आज के लिए बस इतना ही, आगे मिलते हैं एक और बड़ी खबर के साथ। धन्यवाद।